Yo, what's happening guys? My name is Logi और आज हम फिर से दुबई वाली सिटी में और गाइस आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा अभी के अभी। और गाइस लास्ट टाइम आपको याद होगा कि जब मैंने चपाती भाई के साथ डिलीवरी की थी तो उससे गाइस मैंने एकदम से अपने लिए ब्रांड न्यू ग्रीन वाली लैम्बोर्गिनी खरीदी है और वो एकदम चीफ के घर के सामने खड़ी है अभी। और गाइस यार लैम्बोर्गिनी खरीदने के बाद मेरे पास तो सिर्फ 3 ही डायमंड्स रह चुके हैं यार, तो मुझे थोड़ी सी और डिलीवरियां करनी पड़ेंगी थोड़े और डायमंड्स कमाने के लिए। और हैंग ऑन अ मिनट, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर क्या लिखा है? इलेक्शन। तो गाइस यहाँ पर इलेक्शन चल रहा है। ओके, तो किस कौन कौन खड़ा है भाई इलेक्शन में? तो यहाँ पर खड़ा है चीफ और दूसरे साइड में खड़ा है पिक। ये क्या हो रहा है भाई, चीफ और पिक का इलेक्शन हो रहा है? लेकिन चलो कोई बात नहीं यार, माइनक्राफ्ट है, कुछ भी होता रहता है यहाँ पर। तो चीफ के पास कितने वोट्स है? चीफ के पास सिर्फ 2 वोट्स आए हैं यार। ये चीफ के पास सिर्फ 2 वोट्स कैसे आए हैं? और पिक के पास, तेरी ये पिक के पास तो 21 वोट्स हैं यार। ओ गाइस ये तो सही बात नहीं है। तो एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं, अगर जितने भी सब्सक्राइबर आए हम उतने ही वोट चीफ को देंगे यार। तो कम ऑन गाइस, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर बटन दबा दीजिए अभी के अभी ताकि चीफ ये इलेक्शन जीत जाए। और आई थिंक मेरी लैम्बोर्गिनी जो है यहाँ नीचे ही खड़ी हो। ये रही, क्या बात है यार, ये डांस कैसे कर रही है भाई। एक ओके, अभी मैं आ चुका हूँ। और गाइस अभी मुझे फिर से चपाती भाई के गैरेज के अंदर जाना है क्योंकि मेरा टाइम भी हो चुका है। ओए गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हो तेरी यार, मैं सबके अंदर ठोक रहा हूँ। ओके देवी गो, अभी रस्ते के ऊपर आ चुकी है और एकदम स्लो हो जाता हूँ। तेरी क्या स्टंटे मार रही है भाई मेरी गाड़ी। और मैं आ गया, क्या बात है यार। हेलो हेलो, कोई है यहाँ पर? आ गया भाई, मैं आ गया। कौन है? मैं हूँ लॉगी हूँ। लॉगी कौन? लॉगी मैं देखिए आपको यहाँ पर आना भाई, मैं हूँ यहाँ पर आना। मैं तो यहाँ पर काम करता हूँ। मनुज बंदे यहाँ पर लाउड नहीं है। क्या है? मैं तो काम करता हूँ। काम, ये मेरी प्रॉपर्टी है, आप जा चुके थे लास्ट टाइम काम छोड़कर। नहीं नहीं, मैं काम छोड़कर नहीं गया था भाई, मेरी शिफ्ट खत्म हो गई थी। एक बंदा 2 शिफ्ट में काम नहीं कर सकता। अच्छा चलो सॉरी, अभी मैं आ गया हूँ भाई, अभी मुझे थोड़ा काम करना भाई। तीर मारने की कोशिश कर रहा है भाई, मुझे तीर नहीं लगता। तू लोहे का बना? मैं आयन मैन हूँ, आयन मैन। तेरे को बताता हूँ, मैं तो लोहे का बना। रुक एक जगह रुक, अच्छा आज मेरे पास कुछ जॉब्स हैं, अगर आपको करनी है तो आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बिल्कुल नए बहुत खतरनाक वाले डायमंड्स दूंगा। ठीक है, क्या बात है। सबसे पहले ये पार्किंग जो लैम्बोर्गिनी जो खड़ी है ना, लाल वाली फरारी, इसको आपने B3 में लगा दो। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड में जो बे है, इसमें फ्यूल ही नहीं है गाड़ी में। अच्छा तेल भी मैं दूं? तेल अपने जाके पैसे से खरीदो। अच्छा चलो मैं लेकर आता हूँ। ओके तो आई थिंक मेरे स्कूटर में यहाँ पर पड़ा है। हाँ ये रहा, एकदम 8 पीपीए मुझे मिल चुके हैं। और भाई नीचे आ जाओ, आप ऊपर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ ऊपर काम कर रहा हूँ। और गाइस ये दुनिया का पहला ऐसा खोता जो स्कूटर में से तेल निकाल के लैम्बोर्गिनी के अंदर डाल रहा है। लैम्बोर्गिनी के अंदर डाल रहा है। और भाई ये एकदम फ्रेश पीपीए हैं भाई, मैंने चेस्ट से निकाले हैं। अगर ये फरारी ठुकी ना तो मैं तेरे को ठोक ठोक के मारूंगा। ओके मैं एकदम स्लोली आऊंगा भाई, स्लोली। मैंने बिल्कुल एम करके रखा हुआ है। नहीं, अच्छा जरा सी गलती से नहीं करना। मैं सही यहाँ पर पार्किंग करता हूँ। कम ऑन, मैं देख रहा हूँ। ओके आराम से स्मूथ पार्किंग। देखा क्या स्मूथ पार्किंग की है इसने यार, इधर लौटा तो एकदम परफेक्ट है यार। फिर भी तीर मत मारो, फिर भी तीर खाएगा। स्मूथ पार्किंग करके भी तो तीर खाएगा। तो इस पार्किंग के मैं तेरे को 2 डायमंड्स दूंगा। ठीक है, अभी ऊपर और काम है, जल्दी कर, मेरे पास टाइम नहीं है। ऊपर का रस्सा कहां पर है? पीछे से बना, पीछे से आ जा। ओके मैं आ रहा हूं। आ गया मैं। ओके अभी तेरे पास एक जॉब ये है, हमें छत रिपेयर करने, क्योंकि मेरे को लगता है बारिशों का मौसम आने वाला है और ये छत एकदम कच्ची है। अभी तो भाई एकदम कड़ी धूप है, लेकिन कल परसों बारिश होने वाली है। ओके यहां पर स्लैब्स पड़े हुए हैं, ये कॉन्क्रीट के स्लैब्स। तो ध्यान से, अगर एक स्लैब गिरा तो मेरे को पता है बहुत नुकसान हो जाएगा। समझ गया। तो अभी ये स्लैब्स मेरे को यहाँ पर डालने, देख ये लाइन से ऐसा डालने, तो पूरा पीछे तक ले जा। ओके, तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ, करता हूँ, मैं करता हूँ। बड़ा तेज हो, ये बिल्डर तो बहुत तेज है, क्या बात है। ये एक छोड़ दिया भाई, मैंने आपके लिए छोड़ा है। चल बे, एक मतलब इतना तेज काम किया इसने, आधा यहाँ पे माल ही छोड़ दिया। पैसे काटूंगा। सॉरी भाई, अगली बार नहीं होगा, अगली बार नहीं होगा। मैं तेरे को 1 डायमंड दे रहा हूँ यहाँ पे, 2 डायमंड दे रहा हूँ यहाँ पे माल रखने का छत के ऊपर, और 1 डायमंड जो है लैम्बोर्गिनी पार करने का, और 1 मेरी टिप। आजा, अभी हमें डिलीवरीज करनी है, बहुत कम है मेरे को, छेती कर। ओके मैं आ रहा हूँ। तो सबसे पहले ये जो फरारी आई है इसके ऊपर मैं प्राइस लगा देता हूँ। तो ये होगी फरारी हमारी गाइस, 30 डायमंड की भाई, इतनी महंगी फरारी। और चल पे, इतनी सस्ती फरारी ऑफर दे रहा हूँ मैं, चल। और लैम्बोर्गिनी 20 डायमंड की थी। हाँ तो फरारी है, नया लाल मॉडल है, पता तेरे को पता लाल कलर कितना महंगा होता है। हाँ चल आजा। तो आज की तेरी पहली डिलीवरी है, बहुत दूर जाने वाली है, अभी पहले जा रहा हूँ। और पहली डिलीवरी आज तूने करनी है, वेपन्स डिलीवर करने, पता तेरे को कहाँ पर करने हैं? क्या मेरे को ये दे दो भाई, वापस ले लो, मेरे को दे रहा तू, आपका माल है भाई, वापस ले लो। ये डिलीवरी के मैं तेरे को दूंगा 10 डायमंड्स। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और इसके अंदर पड़ी है मिनी गन, तो ये हथियार जो है ना, हाँ पास वाले गांव के अंदर देख के आने, हम वहाँ पर सप्लाइंग कर रहे हैं हथियारों की, क्योंकि मेरे को लगता है कि वहाँ पर प्लेजर जो है हमला करने वाले हैं और उनको रोक
रोकने के लिए हथियार वगैरह चाहिए होंगे। कौन सी व्हीकल में जाना है मुझे? स्कूटर के अंदर जाना है, ठीक है ना? इतना टाइम लगेगा भाई मुझे स्कूटर पर। अबे तेरे को गोली मार के उड़ा देंगे। तो उधर उनको मैंने बोल कर रखा था कि हमारा स्कूटर जो होगा ग्रीन कलर का होगा। ओह नाइस। ग्रीन कलर का स्कूटर मतलब कि एकदम ग्रीन फ्लैग है, वहाँ पर जाएगा तो आराम से तू उनको डिलीवरी कर सकता है। ये सही है भाई। एक मिनट भाई, मैं पहले यहाँ पर पेट्रोल स्कूटर कहाँ गया? तेरी स्कूटर मैंने चक लिया। गधे स्कूटर चला के लेके जाना है, उठा के लेके जाना है। भाई पहले मैं इसके अंदर पेट्रोल भर देता हूँ। ओके गाइस, सो अभी मैं निकल चुका हूँ भाई। मुझे पास वाले गांव मुझे आना है यार। मुझे लास्ट टाइम प्लेन देखकर रखा था और इस स्कूटर पर तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ओ माय गॉड यार, ये कहाँ जंगलों में से मैं आ गया। ओके मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ और अभी मुझे ये डिलीवरी एग्जैक्टली करनी का है, मुझे तो पता भी नहीं है। तो आई थिंक यहाँ का जो चीफ है उसका घर एकदम यहाँ सामने वाला, ये स्मिथी वाला। तो आई थिंक जो डिलीवरी है मैं एकदम यहीं पे कर देता हूँ। चीफ, यहाँ का चीफ कहाँ पे है? ओके तो यहाँ पर एकदम से रात भी हो चुकी है, तो आई थिंक चीफ किसके घर पर गया। और जब तक वो वापस आता है तब तक एक काम करता हूँ, मैंने सारी मिनी गन का एमओ और मिनी गन मैंने चेस्ट के अंदर रख दिया। और क्या बात है गाइस, एकदम से मेरी पैलेट डिलीवरी सक्सेसफुल हुई और अभी मुझे फिर से स्कूटर के अंदर जाना पड़ेगा। और एकदम से रात भी हो गई यार, तो उस जंगल के अंदर मॉब्स भी होंगे। मैं आ गया। ए तू आ गया, पिछले 4 दिन से बंदा गायब है। क्यों 4 दिन नहीं भाई, 4 घंटे ही तो गया था। चल बे, पूरी रात खत्म हो गई, सुबह होगी तू हमारा डिलीवरी। भाई वो रात थी, मैं वहीं पे सो गया था भाई। डिलीवरी में से एक डायमंड काटूंगा। उसने मेरे को बोल कर रखा था कि रात से पहले डिलीवरी हो जानी चाहिए। अच्छा, सॉरी भाई, अगली बार ऐसा नहीं होगा। डिलीवरी की कॉस्ट थी 12 डायमंड्स, मैं तेरे को दूंगा 10 डायमंड। ओके तो 2 डायमंड मैंने तेरे काट लिए। कोई बात नहीं, सॉरी। बोला कि टिप के तौर पर एक चपेट उसको फ्री में देनी है। अच्छा सॉरी भाई, कैसा इंसान है भाई। सॉरी, जा रहा हूँ। पुलिस इसके नंबर की जब्त कर लो। अभी तेरे को मैं देता हूँ डिलीवरी नंबर 2। ये टॉप सीक्रेट डिलीवरी है, ठीक है? ओके, तेरे को सीक्रेट जहाज, वो जहाज देख रहा ना? हाँ। तेरे को पहले जो आउटपोस्ट का जो चीफ है ना, वहाँ पर डिलीवरी देनी है। और गलती से भी जहाज के अंदर से मत निकलियो, तेरे को गोलियां मार के भून देंगे तेरे को। डिलीवरी देनी है जहाज से। कैसे भाई? GTA की तरह, जैसे जहाज ऊपर जाएगा तूने डिलीवरी वहाँ पे फेंक देनी है और पीछे मुड़ के मत देखियो, बस जहाज घुमा के वापस निकल। चलो सही है। तो ये मुझे क्या डिलीवर करना है एग्जैक्टली, मैं तेरे को बताता हूँ। और उन्होंने मंगा के रखी है ये खतरनाक वाली सोड, ठीक है ना? ऐसी सोड है भाई, मेरे को पता नहीं है भाई। गलती से भी स्कॉर्ड के ऊपर चलाइए मत और कुछ मत करिए, बस इसको अपनी इन्वेंटरी में रख ले, वापस इन्वेंटरी में रख ले। एकदम से हाथ में पकड़ लिया और वो सामने, रुक, जहाज को तो पेंट तो करने देना भाई। मैंने कहा जहाज को भी पेंट करना और उन्होंने बोला जहाज का कलर करना है बैंगनी। तो ये रहा तेरा बैंगनी कलर का जहाज भाई। ये पता नहीं कौन सा कलर है, आसमानी कलर जो भी है, तू खजूर कलर है, मेरे को समझ जाती। इसमें भी पेट्रोल नहीं है, तू पेट्रोल घर से लेके आया कर। सारा पेट्रोल तो मेरा खत्म कर दिया इसने। कोई बात नहीं, वहाँ पर बहुत सारा पेट्रोल पड़ा है। इसके 3 डायमंड्स काटूंगा, इसकी 3 डायमंड। लेकिन ये बड़ी हैवी डिलीवरी है भाई, इसके वो 30 डायमंड्स देंगे अगर डिलीवरी टाइम से होगी ना। तो प्लीज फटाफट पेट्रोल को छोड़ निकल, अभी मैं जा रहा हूँ भाई, मैं एकदम डिलीवरी कर आता हूँ। ये लगता मरेगा जी। ओके गाइस, तो मुझे एकदम से पिलेजर आउटपोस्ट के ऊपर डिलीवरी करनी है भाई। तो पिलेजर आउटपोस्ट एकदम से सामने मुझे दिख चुका है और मैंने सोर्ड हाथ में पकड़ी है। और जैसे ही मैं इसके ऊपर आया, मैंने ड्रॉप कर दी भाई, मैंने ड्रॉप कर दी। तो उनको पहुंच गई ना, आई थिंक उनको पहुंच चुके। वैसे सामने कोई खड़ा नहीं है, आई थिंक सब लोग जंगल के अंदर खड़े हैं सोर्ड ढूंढने के लिए। और गाइस मैं जल्दी से देख लेता हूं, यहां पर मेरा कोई पीछा तो नहीं करना, कोई पिलेजर तो नहीं आ रहा है? नहीं, एकदम से कोई पिलेजर भी नहीं आ रहा, क्या बात है। और इसी के साथ कौन है बोला? लैंडिंग कर ले, आ रहा हूं। उनके बंदे तेरे को गांव के अंदर ढूंढ रहे हैं। ओ अच्छा, आगे बंदे आगे क्या? नहीं, आप डिलीवरी कर दी? हाँ मैंने कर दी। अगर डिलीवरी टाइम पे नहीं हुई ना तो मैंने जहाज के पक्खों में तेरा मुंह दे देना। नहीं भाई, डिलीवरी मैंने एकदम से कर दी, मैंने कर दी भाई। अगर देखो तो कोई या तो नहीं रहा। फिलहाल तो मामला क्लियर है, आई थिंक गाइस इसने डिलीवरी पूरी कर दी। तीर मार देता हूँ, लग गया किसी को, लग जाएगा भाई। वो जंगलों के अंदर ही घूमते रहते हैं, बहुत डेंजर गैंग के बंदे। ये ले, मैं तेरे को 10 डायमंड दे रहा हूँ, ये ले। अरे क्या बात है, ये ले 30 डायमंड पूरे डिलीवरी के तौर पर है। और ये मैं तेरे को दूंगा 5 डायमंड टिप अपनी तौर से। हाँ बात है। और अभी आती है यहाँ की मोस्ट इम्पोर्टेंट डिलीवरी। हमारे जो सिटी है ना, इस गाँव को जो चीफ है उसने एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी मंगा कर रखी है, इम्पोर्टेड GTA 5 की सिटी के अंदर से उसने मंगा कर रखी है। ये दी फास्टेस्ट वाली बुगाटी, ध्यान से चलाइयो। अगर ये गाड़ी बिक गई ना, अगर ठुक गई ना, तो हमें पूरा गैरेज बेचना पड़ेगा, तब भी इसकी कॉस्ट पूरी नहीं होगी। ओके, मैं एकदम आराम से चलाऊंगा भाई। और ये बिल्कुल चीफ के घर के पीछे पार्क करनी है, ढूंढ, ठीक है ना? हाँ सही है। ओके, तो इसकी तेरे को मिलेंगे 50 डायमंड्स। टॉप 50 डायमंड, क्या बात है, सीक्रेट डिलीवरी है। पीछे से जाइए घर के पीछे से। चलो आपसे 50 डायमंड रेडी रखो। रेडी है, चल। ओके गाइस, तो वैसे देखा जाए तो ये टास्क कुछ ज्यादा ही हार्ड है, क्योंकि दुबई सिटी में गाड़ी चलाने की एकदम जगह भी नहीं है और चीफ का घर भी एकदम सिटी के बीचों बीच में बना है यार। तो मुझे एकदम स्लोली यहाँ पर जाना पड़ेगा।
क्योंकि मुझे एकदम से स्लोली स्लोली यहाँ पर जाना है। और ये रहा गाइज, मैं चीफ के घर के पीछे पहुंच चुका हूँ, तो आई थिंक मुझे पार्किंग जो है एकदम यहाँ पर करनी है। क्या बात है गाइज, तो मैंने एकदम से बुगाटी यहाँ पर डिलीवर कर चुकी है और अभी मैं जाकर 50 डायमंड अपने ले लेता हूँ। आया सर जी, आया मैं आ गया भाई, मैंने एकदम से बुगाटी डिलीवर कर दी। तो आ गया मैं तेरे ऊपर, मैं आरती उतारू तेरी अपने आ गया भाई। अभी मुझे 50 डायमंड, मुझे अपना सैटनैप और सैटेलाइट टीवी चेक कर रहे थे मुझे देखने की क्या ये गाड़ी डिलीवर हुई है। ये निकल यहाँ से, प्राइवेट रूम है मेरा, ये बाहर बैठकर मैं बाहर बैठता हूँ। तो अगर मैं अपना टीवी वगैरह देखूँ तो सिग्नल जीपीएस मेरा यही बता रहा है कि गाड़ी चीफ के घर के पीछे जा चुकी है। मैंने पहुंचा दी। क्या बात है, क्या बात है, ये ले भाई तेरे 50 डायमंड्स, तो ले ले ये 50 डायमंड। क्या बात है, कमीशन के तौर पर मैं तेरे को 2 डायमंड एक्स्ट्रा दे रहा हूँ फॉर योर गुड वर्क। बहुत सारे डायमंड्स है ना, तूने ये नई वाली फरारी लेनी तो बात कर। फरारी, ओके, ये फरारी कितने की थी भाई? तो एक काम करिए भाई, मुझे अपनी लैम्बोर्गिनी दे दीजिए और साथ में 10 डायमंड्स, तो क्योंकि आपने 20 डायमंड्स की लैम्बोर्गिनी दी थी ना, तो ये फरारी आपकी। हाँ ये लो भाई, 10 डायमंड ये रहे और लैम्बोर्गिनी भी ले लो भाई। हाँ थैंक यू। अरे क्या बात है गाइस, और आराम से चलाना। जा रहा हूँ भाई मैं, एकदम आराम से चलाऊंगा। लाइसेंस है भी कि नहीं है? हाँ मेरे पास है लाइसेंस, मेरे पास है। तो क्या बात है गाइस, मैंने एकदम से नई फरारी ले चुकी है भाई और मेरे पास कितने सारे डायमंड भी आ चुके हैं। और गाइस अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन अभी के अभी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और गाइस मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।